उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पश्चिमी पट्टी से शुरू होता है, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप की थी और 90% सीटों को अपने नाम किया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने इस गढ़ को और मजबूत कर लिया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने इस गढ़ को गठबंधन से महामजबूत कर लिया है, लेकिन जाटलैंड में अखिलेश का गणित गड़बड़ होता दिख रहा है। मेरठ मुजफ्फरनगर से लेकर मथुरा तक आरएलडी एसपी के गठबंधन में दरार आती दिख रही है। मथुरा में आरएलडी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतार देने से पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं। तो मथुरा में एक सीट पर आरएलडी कैंडिडेट के पर्चा भर देने के बाद एसपी को सीट दिए जाने से नाराजगी है, जबकि मुजफ्फरनगर में गठबंधन ने एक भी सीट से मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है, इससे मुसलमान नाराज है। खासतौर पर मेरठ में भी जाट इस बात से नाराज है कि वहां गठबंधन ने एक मुसलमान प्रत्याशी को चुनाव में क्यों उतार दिया। ये संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पश्चिमी यूपी को लेकर कहा जाता है कि जिसके जाट उसके ठाट। लेकिन जाटलैंड में फैलते असंतोष ने अखिलेश का सियासी गणित कैसे गड़बड़ कर दिया है, ये रिपोर्ट देखें। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने इतने करीब से देखा, भरपूर सहयोग दिया, क्या आप मेरा साथ और सहयोग और आशीर्वाद मुझे दोगे कि नहीं दोगे? समाजवादी लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे गरीबों किसानों के लिए और उन किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है, ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एक साथ गदा उठाया था और सूबे को संकेत दिया था कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए सबसे मजबूत गठजोड़ बन चुका है। एक ऐसा गठजोड़ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप तो करेगा ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी क्षति पहुंचाएगा और यही गणित गठबंधन को अवध की सत्ता में लाएगा। अब जब चुनाव करीब आ चुका है, तब समाजवादी पार्टी की जाटलैंड की सियासत में पेंच फंस गया है। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो खिचड़ी पकाई है वो आरएलडी के नेताओं को नहीं पच रही। सपा आरएलडी के गठबंधन में सबसे बड़ी गांठ बन गई है मथुरा की माट विधानसभा सीट। 14 जनवरी को आरएलडी ने माट सीट से योगेश नौहार को टिकट दिया था, जिसके बाद योगेश नौहार ने पार्टी टिकट से पर्चा भी भर दिया। लेकिन बुधवार को इस सीट से समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और संजय लाठर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पर्चा भर दिया। अब सवाल यह है कि अगर साइकिल और हैंडपंप के मालिकों ने हाथ मिला लिया है तो दोनों ही सिंबल चुनाव में कैसे उतर गए? हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने माट के इस गांठ की पूरी पड़ताल की और हम सबसे पहले यहां से आरएलडी के टिकट पर पर्चा भरने वाले योगेश नौहार के पास पहुंचे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने मुझे बुला करके पर्चा दिया, सिंबल दिया और मैंने वो सिंबल दाखिल कर दिया, पर्चा भर दिया और उसके बाद एक ट्विस्ट आया। 3-4 दिन बाद मुझे बुला करके, यानी एक दिन पहले मुझे बुला करके ये कहा गया कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि पर्चा मैं कतई किसी कीमत में वापस नहीं लूँगा। एक शर्त पर वापस ले सकता हूँ, अगर जयंत चौधरी खुद स्वयं लड़े माट विधानसभा से तो वापस ले सकता हूँ, चारू चौधरी लड़े माट विधानसभा से तो मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ। दरअसल माट से पर्चा दाखिल कर चुके योगेश को उनकी पार्टी ने पर्चा वापस लेने के लिए कह दिया है, लेकिन आरएलडी के ये नेता हैंड पंप उखाड़ कर साइकिल के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के कैंडिडेट ने खूंटा ठोक दिया है कि अगर खुद जयंत चौधरी चुनाव लड़े तब तो वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कतई बलिदान नहीं देंगे। और इसी नाटकीय मोड़ ने जिला स्तर के पार्टी नेताओं को भी उहापोह में डाल दिया। माट विधानसभा हमारे गठबंधन के खाते में, दोनों माननीय अध्यक्ष जी के समझौते के अनुसार अब पुनः उनको संजय लाठा जी को घोषित कर दिया गया है। आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया।
आरएलडी के योगेश ये कहकर भी ताल ठोक रहे हैं कि जब वो बीजेपी की लहर में मात्र 432 वोटों से हारे थे तो टिकट पर हक उनका ही बनता है। लेकिन अखिलेश यादव से साइकिल का सिंबल लेकर लौटे संजय लाठर ने भी बृहस्पतिवार को पर्चा दाखिल कर दिया, इस उम्मीद के साथ ये गुस्सा तात्कालिक है। ऐसी कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन है, पहले उनके खाते में गई थी सीट, उनको ए बी फार्म मिला, भाई योगेश जी ने अपना नामांकन दाखिल किया था, उसके बाद हमें मिल गया, तो गुस्सा थोड़ा जाहिर होता है, इसमें कोई शक नहीं, हम सभी लोग राष्ट्रीय नेतृत्व की बात मानेंगे। हाईकमान के फैसले के आगे मार्ट का ये गुस्सा भले ही दब जाए, लेकिन जयंत चौधरी के सामने एक संकट सिवाल खास का भी है। मेरठ के सिवाल खास के पेज की पड़ताल TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रजनीश रंजन ने की है। दरअसल सीट के बंटवारे में मेरठ के सिवाल खास सीट आरएलडी को मिली है, लेकिन यहां से आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को चुनाव में उतारा गया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना, कोरोना सिर्फ मौका देखता है। लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए, बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।